तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत अन्न के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जाता है, इसीलिए गुरु के समान अन्न की भी निंदा ना करे। इस प्रकार ब्रह्मविद्या के लिए यह व्रत उपदेश किया जाता है। यह व्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिए है और अन्न की स्तुति पात्रता ब्रह्म उपलब्धिता का साधन होने के कारण है। प्राण ही अन्न है क्योंकि प्राण शरीर भीतर रहने वाला है। जो जिसके भीतर स्थित रहता है वह उसका अनुभव करता है। प्राण शरीर में स्थित है इसलिए प्राण अन्न है और शरीर अन्नदाता है। इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और प्राण अनाद है। कैसे? प्राण में शरीर स्थित है क्योंकि शरीर की स्थिति प्राण के ही कारण है। अतः ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और अनाद है क्योंकि वे एक दूसरे में स्थित है इसलिए अन्न है, और क्योंकि एक दूसरे के आधार है इसलिए अनाद है। अतः प्राण और शरीर दोनों ही अन्न और अनाद है। वह जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है अन्न और अनाद रूप से ही स्थित होता है तथा अन्नवान और अनाद होता है, इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है। अष्टम अनुवाद। अन्न का त्याग न करे यह व्रत है। जल ही अन्न है, ज्योति अनाद है। जल में ज्योति प्रतिष्ठ है और ज्योति में जल स्थित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न अन्न ही में प्रतिष्ठ है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठ होता है, अन्नवान और अनाद होता है। प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। अन्न का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग ना करे यह व्रत है। यह कथन पूर्ववत स्तुति के लिए है। इस प्रकार शुभ शुभ की कल्पना से उपेक्षा न किया हुआ अन्न ही यह स्तुत एवं महिमा निबंध किया जाता है तथा आगे के आप व अनम इत्यादि वाक्यों में भी पूर्वोक्त अर्थ की ही योजना करनी चाहिए। नवम अनुवाक। अन्न को बढ़ावे यह व्रत है। पृथ्वी अन्न है, आकाश अनाद है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठ है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठ होता है, अन्नवान और अनाद होता है। प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त अप्सु ज्योति आदि मंत्र के अनुसार जल और ज्योति की अन्न और अनाद गुणों से उपासना करने वालों के लिए अन्न को बढ़ाना व्रत है, यह बात इस मंत्र में कही गई है। दशम अनुवाक। अपने यहाँ रहने के लिए आयु किसी की भी परित्याग ना करे यह व्रत है। अतः किसी की ना किसी प्रकार से बहुत सा अन्न प्राप्त करे क्योंकि वह अन्न उपासना उस ग्रहागत अतिथि से मैंने अन्न तैयार किया है ऐसा कहते हैं। जो पुरुष मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्यवर्ती से यानी सत्कार पूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मुख्यवर्ती से ही अन्न की प्राप्ति होती है। जो मध्यस्थ मध्यम आयु में अथवा मध्यमवर्ती से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यमवर्ती से ही अन्न की प्राप्ति होती है, तथा जो अनंत अंतिम अवस्था में अथवा निकृष्ट वृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। अब आगे प्रकारांतर से ब्रह्म की उपासना वर्णन किया जाता है। ब्रह्मावाणी में शेम प्राप्त वस्तु के परिरक्षण रूप से स्थित है। इस प्रकार उपासनीय योग शेम रूप से प्राण और अपान में कर्म रूप से हाथों में, गति रूप से चरणों में और त्याग रूप से पायु में उपासनीय है। इस प्रकार मनुष्य संबंधिनी उपासना है। अब देवताओं से संबंधित उपासना कही जाती है। तृप्ति रूप से वृष्टि में, बल रूप से विद्युत में, यश रूप से पशुओं में, ज्योति रूप से नक्षत्र में, पुत्र आदि प्रजा, अमरतत्व और आनंद रूप से उपस्थित में तथा सर्व रूप से आकाश में ब्रह्म की उपासना कर। वह ब्रह्मा सबका प्रतिष्ठा आधार है, इस भाव से उसकी उपासना करें। इससे उपासक प्रतिष्ठावान होता है। वह मह नामक व्याति अथवा तेज है।
इस भाव से उसकी उपासना करें। इससे उपासक महान होता है, वह मन है, इस प्रकार उपासना करें। इससे उपासक मानवान है, मनन करने में समर्थ होता है, वह नम है, इस भाव से उसकी उपासना करें। इससे संपूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं, वह ब्रह्मा है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है, वह ब्रह्मा का परिमर आकाश है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। इसी से उससे द्वेष करने वाले उसके प्रतिपक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय भ्रातव्य भाई के पुत्र होते हैं वे भी मर जाते हैं। वह जो कि इस पुरुष में है और वह जो इस आदित्य में है एक है, तथा पृथ्वी और आकाश की अन्न एवं अन्न आदि रूप से उपासना करने वालों के यहाँ रहने के लिए कोई भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने यहाँ निवास करने के लिए आए हुए किसी भी व्यक्ति का वह निवारण न करे। जब किसी को रहने का स्थान दिया जाए तो उसे भोजन में अवश्य देना चाहिए। अतः जिस किसी भी विधि से यानी किसी न किसी प्रकार बहुत सा अन्न प्राप्त करे, अर्थात खूब अन्न संग्रह करे, क्योंकि अन्नवान उपासनागण अपने यहाँ आए हुए अन्न अर्थी से अन्न तैयार करें। ऐसा कहते हैं अन्न नहीं है ऐसा कहकर उसका परित्याग नहीं करते, इसलिए भी बहुत सा अन्न उपार्जन करें। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। अब अन्नदान का महात्म्य कहा जाता है। जो पुरुष जिस प्रकार और जिस समय अन्नदान करता है उसे उसी प्रकार और उसी समय उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा किस प्रकार होता है सो बतलाते हैं। जो पुरुष मुख्यतः मुख्य प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से यानी सत्कार पूर्वक राध अर्थात सिद्ध पक्व अन्न को अपने यहाँ आए हुए अनार्थी अतिथि को देता है, यहाँ प्रेक्षित देता है, यह क्रियापद वाक्य शेष अनुक्त अंश है, उसे क्या फल मिलता है सो बतलाया जाता है। इस अन्नदाता को मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वर्ती से अन्न प्राप्त होता है, अर्थात जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मध्यस्थ मध्यम आयु में अथवा मध्यम वृत्ति से तथा अनंत अंतिम आयु में अथवा निकृष्ट वृत्ति से यानी तिरस्कार पूर्वक देने से इसे उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार अन्न का पूर्वोक्त महात्म्य है और उसके दान का फल जानता है, उसे पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्म की उपासना का एक और प्रकार बतलाया जाता है, क्षेम। इस प्रकार वाणी में प्राप्त पदार्थ की रक्षा करने का नाम क्षेम है। वाणी में ब्रह्मा क्षेम रूप से स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। योग क्षेम यह प्राप्त वस्तु का प्राप्त करना योग कहलाता है। वे योग और क्षेम यद्यपि बलवान प्राण और अपान के रहते हुए ही होते हैं, तो भी उनका कारण प्राण एवं अपान ही नहीं तो उनका कारण क्या है? वे ब्रह्मा के कारण ही होते हैं। अतः योग क्षेम रूप से ब्रह्मा प्राण और अपान में स्थित हैं, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार आगे के अन्य पर्यायों में भी उन अंग रूप से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। कर्म ब्रह्म की प्रेरणा से निष्पन्न होता है, अतः हाथों में ब्रह्मा कर्म रूप से स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। चरणों में गति रूप से और पायु में विसर्जन रूप से प्रतिष्ठ समझकर उसकी उपासना करें। इस प्रकार यह मनुष्यों में रहने वाली समाज्ञा है, अर्थात यह आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञान विज्ञान यानी उपासना है, यह इसका तात्पर्य है। अब इसके पश्चात देवी देव संबंधनी अर्थात देवताओं में होने वाली समाज्ञा की जाती है। तृप्ति इस भाव से वृष्टि में ब्रह्म की उपासना करें। अन्न आदि के द्वारा वृष्टि तृप्ति का कारण है, अतः तृप्ति रूप से ब्रह्म ही प्रविष्ट में स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य पर्यायों में भी उनके रूप से ब्रह्म ही की उपासना करनी चाहिए, अर्थात
बल रूप से, विद्युत में, यश रूप से, पशुओं में, ज्योति रूप से, नक्षत्र में, प्रजापति, पुत्र आदि प्रजा अमृत अर्थात पुत्र द्वारा, पितृ ऋण से मुक्त होने द्वारा, अमृत तत्व की प्राप्ति और आनंद सुख से सब उपस्थित निमित्त से ही होने वाले हैं। अतः इनके रूप से ही ब्रह्मा ही उपस्थित में स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए।